हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वर्ल्ड फिल्म कमान चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पिक्चर ट्यूब है जो वास्तविक रूप में जो बने होते हैं उसके किन कौन से पिन के कौन कौन सा काम होता है उसके बारे में समझेंगे, यानी कि पिन डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों जो वास्तविक रूप में जो पिक्चर ट्यूब बने होते हैं उनके विभिन्न पिनों का कौन कौन सा काम होता है। तो देखिएगा कि जो है आपका पिक्चर ट्यूब है जो आपका जो पिछले भाग में जो गन भाग से जो पिन निकले होते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दो प्रकार के आपके जो है पिक्चर ट्यूब होते हैं। एक पिक्चर ट्यूब होता है जिसको हम लोग थिक नेक पिक्चर ट्यूब बोलते हैं, यानी कि उसका जो है आपका गर्दन जो है काफी मोटा होगा। और एक पिक्चर ट्यूब होता है जिसको थिन नेक पिक्चर ट्यूब बोलते हैं, जिसका गर्दन पतला होता है उसको हम लोग थिन नेक पिक्चर ट्यूब बोलेंगे, और जिस पिक्चर ट्यूब का गर्दन मोटा होता है उसको हम लोग थिक नेक पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। तो 90% ऐसे टेलीविजन सेट मिलेंगे जिसमें आपको थिक नेक पिक्चर ट्यूब ही यूज किया जाता है, और मात्र 10% ऐसे आपको टेलीविजन सेट मिलेंगे, 10% ऐसे टेलीविजन सेट मिलेंगे जिसमें आपको थिक नेक पिक्चर ट्यूब यूज नहीं करके थिन नेक पिक्चर ट्यूब यूज किया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा जो पिक्चर ट्यूब यूज किया जाता है वो आपको कौन सा पिक्चर ट्यूब होता है, तो थिक नेक पिक्चर ट्यूब होता है, और सबसे कम जो यूज किया जाता है वो थिन नेक पिक्चर ट्यूब होता है। तो इसमें हम लोग दोनों पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों के बारे में समझेंगे कि कौन सा पिक्चर ट्यूब का कौन सा पिन किस काम के लिए यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम लोग थिक नेक पिक्चर ट्यूब, यानी कि मोटा गर्दन वाला पिक्चर ट्यूब जो कि सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। तो मोटा गर्दन वाला जो पिक्चर ट्यूब होता है इसमें आप देखिएगा कि इस पिक्चर ट्यूब में आपको क्या होता है कि एक ऐसा पिन होता है जो कि पिन सेपरेटर से घिरा होता है, एक पिन सेपरेटर होता है जो कि आपको देखेंगे कि इस प्रकार का आपका जो है एक प्लास्टिक का जो है कवर लगा होता है जिसमें यहाँ पर जो है इसको पिन सेपरेटर बोलेंगे, और पिन सेपरेटर के अंदर से एक पिन निकला होता है, यानी कि इस प्रकार के इसके पिन सेपरेटर के अंदर से बीचों बीच से एक पिन निकला होगा। तो इस ये जो पिन होगा इसको पिन नंबर एक बोलते हैं, ये जो पिन होता है इसको बोलेंगे पिन नंबर एक बोलेंगे। ये जो पिन होता है वो किस फंक्शन के लिए होता है, इसको बोलते हैं ग्रिड नंबर 4, यानी कि ये जो पिक्चर ट्यूब का जो ये पिन जो होता है वो ग्रिड 4 का के रूप में यूज किया जाता है। अर्थात जो हम लोग पिक्चर ट्यूब के बारे में पिछले पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि जो G4 होता है, G4 को हम लोग फोकसिंग एनोड पिन बोलते हैं। फोकसिंग एनोड पिन का काम क्या होता है कि इसको इसका यूज हम लोग पिक्चर को क्लियर प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी कि पिक्चर आपके टेलीविजन के स्क्रीन पर साफ और स्पष्ट प्राप्त हो, पिक्चर बिल्कुल सही प्राप्त हो, ऐसा नहीं है कि जो है पिक्चर धुंधला प्राप्त हो, पिक्चर साफ और स्पष्ट नहीं प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एनोड पिन का प्रयोग किया जाता है, और इस पिन को 1000 से लेकर 7000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि वास्तविक रूप में जो पिक्चर ट्यूब बना होता है इस पिक्चर ट्यूब में पिन नंबर एक जो होता है वह ग्रिड नंबर 4 होता है, अर्थात फोकसिंग आपका एनोड का पिन होता है, और इस पिन को लगभग जो है हम लोग 1000 से लेकर 7000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इसको काम करने के लिए। तो इस पिक्चर ट्यूब के पिन नंबर एक के बारे में जान गए। पिक्चर ट्यूब एक के बाद में क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब के पिन नंबर 2 और 3 नहीं होते हैं, एक के बाद सीधे पिन नंबर 4 शुरू होता है। एक नंबर पिन के बाद 2 नंबर पिन नहीं होता है, 3 नंबर पिन नहीं होता है, पिन नंबर 4 स्टार्ट होगा। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुल मिलाकर के इसमें देखिएगा कि 12 पिन बने होते हैं। गिनती कैसे करते हैं, तो जो पिन सेपरेटर के अंदर से जो पिन होगा उसको पिन नंबर 1 मानेंगे, 1 के बाद 2 नहीं होता है, 3 नंबर पिन नहीं होता है, एक ही बार 4 शुरू होगा, 1 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुल मिलाकर इसमें 12 पिन बने होंगे। अब इसमें जानेंगे कि इन सभी पिनों का जितने भी जो पिन बने हुए हैं इन पिनों का कौन कौन सा काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये 4 के बारे में जानेंगे। 4 जो पिन होता है, पिन नंबर जो 4 पिन होता है वो पिन जो है आपका NC होता है, खाली होता है, इसका यूज नहीं करते हैं, इसका कोई जो है फंक्शन नहीं होता है, ये जो है खाली होता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद देखेंगे पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 जो होता है वो ग्रिड नंबर 1 पिन होता है। ग्रिड नंबर 1 के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से वीडियो के जो है पार्ट 1 की वीडियो में समझ चुके हैं कि ग्रिड नंबर 1 को हम लोग शॉर्टकट में G1 बोलते हैं, और इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल ग्रिड, जो कि क्या करता है कि प्रकाश के मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ग्रिड नंबर 1 जो होता है वो इसका पिन नंबर 5 होता है। थिकनेक जो पिक्चर ट्यूब होगा उसमें ग्रिड नंबर 1 कौन होता है, तो पिन नंबर 5 होता है, जो कि मुख्य रूप से निगेटिव लाइन में अर्थ किया जाता है। निगेटिव लाइन में इसको क्या किया जाता है, तो ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे पिन नंबर 6। पिन नंबर जो 6 होता है वो आपका ग्रीन कैथोड पिन होता है। इसको हम लोग ग्रीन वीडियो सिग्नल देते हैं, किसको, तो पिन नंबर 6 को ग्रीन वीडियो सिग्नल दिया जाता है। तो यहाँ जो ग्रीन वीडियो सिग्नल जो पिन नंबर जो 6 को देंगे, तो
यह ग्रीन वीडियो सिग्नल आएगा कहाँ से इसको देने के लिए, तो पिक्चर जो आप टेलीविजन के अंदर जो किट लगा होता है उस किट से निकलने वाला ग्रीन वीडियो सिग्नल है, क्या करते हैं तो पिन नंबर 6 को देते हैं। पिन नंबर 6 के बाद पिन नंबर 7 के बारे में जानेंगे। पिन नंबर 7 जो होता है वो ग्रिड नंबर 2 होता है। तो ग्रिड नंबर 2 हम लोग जानते हैं कि स्क्रीन ग्रिड को ग्रिड नंबर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन ग्रिड जो होता है इसको हम लोग 100 से लेकर के 1000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। किस लिए? तो आपका टेलीविजन की स्क्रीन पर कितना लाइट आए कितना नहीं आए, लाइट की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए क्या होता है कि स्क्रीन ग्रिड होता है। तो स्क्रीन ग्रिड इसमें कौन पिन होता है? तो स्क्रीन ग्रिड पिन नंबर 7 होता है। और 7 नंबर पिन को 100 से लेकर के हम लोग 1000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसके बाद देखिएगा कि पिन नंबर 8 जो होता है वो ग्रीन रेड कैथोड पिन होता है। रेड कैथोड पिन को हम लोग रेड वीडियो सिग्नल देते हैं। टेलीविजन के अंदर लगा हुआ जो किट होता है उस किट से आने वाला जो रेड वीडियो सिग्नल होगा वो कहाँ देंगे? तो पिन नंबर 8 को देंगे। 8 के बाद 9 और 10 हीटर पिन, 9 और 10 जो हीटर पिन होते हैं, इसका काम क्या होता है कि जब इसको हम लोग 3 से 6 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं तो यह हीटर जो है इसके अंदर हीटर जलता है, फिलामेंट जलता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब यह जलता है तो ये तीनों कैथोड के पिछले हिस्से में जो हीटर लगा होता है उसका काम क्या होता है कि कैथोड प्लेट को हीट करने का काम करता है। कौन? तो हीटर जो है कैथोड प्लेट को हीट करने का काम करता है, तभी कैथोड प्लेट काम करता है। कैथोड प्लेट से निकलने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेंगे जब हीटर के द्वारा इसको क्या किया जाए, तो कैथोड प्लेट को हीट किया जाए। तो कैथोड प्लेट को हीट करने के लिए ही हीटर इसमें भी बना होता है। 9 और 10 को हम लोग 3 से लेकर के 6 वोल्ट की एसी सप्लाई ईएसटी से निकलने वाला एसी सप्लाई देते हैं 9 और 10 को। इसके बाद पिन नंबर 11 जो होता है वो ब्लू कैथोड पिन होता है। पिन नंबर 11 को ब्लू वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं। कहाँ से? तो जो टेलीविजन के किट होगा उस किट से निकलने वाला जो ब्लू वीडियो सिग्नल होगा, यानी कि नीला रंग का जो चित्र होगा का वीडियो सिग्नल होगा, वो पिन नंबर 11 को देते हैं। अब 12 नंबर पिन खाली होता है, इसका प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार से जो थिकनेस पिक्चर ट्यूब होता है जो कि 90% टेलीविजन सेट में यूज किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है, तो इस पिक्चर ट्यूब में हम लोग जो है वास्तविक रूप में समझेंगे कि किस प्रकार से इसका हम लोग जाँच करेंगे। तो आइए इसको जो है वास्तविक रूप में भी समझेंगे और इसके बाद फिर जो है हम लोग इस किसको तो इस पिक्चर ट्यूब के बारे में जानेंगे, यानी कि थिन नेक पिक्चर ट्यूब के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि यह जो है थिक नेक पिक्चर ट्यूब है। थिक नेक पिक्चर ट्यूब में देखिएगा कि ये जो इसका गर्दन होता है वो काफ़ी मोटा होता है, जबकि थिन नेक का गर्दन जो है पतला होता है। तो इस पिक्चर ट्यूब में जो यहाँ पर जो पिन निकले हुए हैं, तो इसमें देखिएगा कि आपका जो पिन सेपरेटर के बीचों बीच एक पिन निकला होता है, जिसको हम लोग पिन नंबर 1 मानते हैं और जिसको G4 का पिन मानते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से पिन नंबर जो 1 के बाद 2 और 3 नहीं होते हैं, यहाँ पर पिन नंबर 4 स्टार्ट होगा। 4, इसके बाद फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल मिलाकर इसमें 12 पिन बने होते हैं। तो इसमें हीटर पिन जो देखिएगा कि इसमें 9 और 10 हीटर पिन होते हैं। तो 9 और 10 पिन को आपस में कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए, अगर नहीं बतलाता है तो मानेंगे कि ये पिक्चर ट्यूब जो है खराब हो गया है। तो कैमरा को जगह फिक्स करने के बाद में हम लोग जो है थोड़ा सा इसका हम लोग जांच करेंगे पिक्चर ट्यूब का कि पिन नंबर 9 और 10 आपस में कंटिन्यूटी बतला रहा है कि नहीं बतला। तो यहाँ कैमरा को फिक्स करने के बाद देखेंगे कि यहाँ जो पिन जो सेपरेटर बना हुआ है, तो पिन सेपरेटर के अंदर से जो पिन निकला होता है वो पिन नंबर 1 होता है। 1 के बाद घड़ी की दिशा में पिनों की गिनती स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज गिनती स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पिन नंबर जो 1 के बाद जब गिनती करेंगे तो यहाँ 2 और 3 नहीं होते हैं। तो 2-3 के बाद देखिएगा कि सीधे 4 नंबर पिन स्टार्ट होगा। यह 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिलाकर इसमें 12 पिन बने होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसका पिन नंबर जो 4 होता है वो खाली होता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। 4 के बाद 5 नंबर पिन जो है G1 होता है, और यानी कि कंट्रोल ग्रिड पिन होता है। इसके बाद देखेंगे कि 5 के बाद 6 नंबर पिन जो है आपका ग्रीन कैथोड होता है, जहां पर जो है ग्रीन वीडियो सिग्नल देते हैं। इसके बाद 6 के बाद 7 जो है G2 होता है, यानी कि स्क्रीन ग्रिड पिन होता है। इसके बाद 7 के बाद ये 8 नंबर जो पिन होता है वो रेड कैथोड पिन होता है। और 8 के बाद 9 और 10 जो होते हैं वो हीटर पिन होते हैं। हीटर पिन को हर स्थिति में आपस में कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, बतलाना चाहिए। अगर नहीं बतलाते हैं तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब फ्यूज कर गया है, पिक्चर ट्यूब का हीटर पिन ओपन हो गया है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट करने के बाद में यहाँ हम लोग 9 और 10 पर मल्टीमीटर के तार को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर के पिन नंबर जो पिक्चर ट्यूब है इसके पिन नंबर 9 और 10 पर मल्टीमीटर के तार को रख लेते हैं। ये पिन नंबर 9 और ये 10, 9 और 10 पर मल्टीमीटर के जब तार को रखेंगे तो कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, जो कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है। कंटिन्यूटी शो करने का मतलब है कि इसका हीटर पिन
सही जो है काम कर रहा है। इसके बाद है हीटर पिन के बाद है समझेंगे कि यह पिन नंबर 11 क्या होता है, तो ब्लू कैथोड होता है जहाँ पर ब्लू वीडियो सिग्नल देते हैं यानी कि नीला रंग का वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं, 12 खाली होता है। तो इस प्रकार से ये थिक नेक पिक्चर ट्यूब का पिनों की गिनती करते हैं और ये समझे कि इस पिक्चर ट्यूब में कौन कौन से पिन किन किन यूज में लाए जाते। तो इसमें देखेंगे कि थिन नेक जो पिक्चर ट्यूब होता है, थिन नेक का मतलब है कि पतला गर्दन वाला पिक्चर ट्यूब। ये पिक्चर ट्यूब बहुत ही कम यूज में लाया जाता है। जो टेलीविजन सेट आप देखेंगे तो टेलीविजन सेट में, अधिकांश टेलीविजन सेट में थिक नेक पिक्चर ट्यूब यूज किया जाता है, और जबकि 10% ऐसे टेलीविजन सेट होंगे जिसमें थिक नेक पिक्चर ट्यूब यूज नहीं करके थिन नेक पिक्चर ट्यूब यूज में लाया जाता है। तो थिन नेक जो पिक्चर ट्यूब होता है इसमें देखिएगा कि एक पिन ऐसा होता है जो पिन सेपरेटर से घिरा होता है और पिन सेपरेटर के बीचों बीच निकला होता है, तो उस पिन को हम लोग G4 पिन बोलते हैं यानी कि फॉक्सिंग एनोड का पिन बोलते हैं। और इस पिन को 1000 से लेकर के 7000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ताकि पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र क्लियर प्राप्त हो। तो उसके लिए जो है यहाँ के वोल्टेज को वैरी करके यहाँ पर जो है टेलीविजन के स्क्रीन पर आने वाला चित्र साफ और स्पष्ट प्राप्त करते हैं। तो पिन नंबर 1 होता है। 1 के बाद देखिएगा कि आपका जो है 2 नहीं होता है घड़ी की दिशा में। कभी भी पिक्चर ट्यूब के पिनों की गिनती करना होगा तो ये याद रखिएगा कि जो पिन नंबर 1 होगा 1 से क्लॉकवाइज गिनती करते हैं, घड़ी की दिशा में ही पिनों की गिनती स्टार्ट करते हैं। इसके बाद घड़ी की दिशा में गिनती करेंगे तो 2 नहीं होता है, एक के बाद 3 स्टार्ट होगा, 9 नंबर तक पिन होते हैं। तो इसमें समझेंगे कि पिन नंबर जो 3 होता है वो ब्लू कैथोड होता है जिसको हम लोग ब्लू वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं। कहाँ से? तो किट से निकलने वाला, जो टेलीविजन सेट के अंदर जो किट लगा होता है उस किट से निकलने वाला ब्लू वीडियो सिग्नल पिन नंबर 3 को देते हैं। 4 और 5 हीटर होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि एसी सप्लाई 3 से 6 वोल्ट की एसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ईएसटी से निकलने वाला एसी सप्लाई, हीटर के लिए एसी सप्लाई निकलता है तो एसी सप्लाई देते हैं 4 और 5 को काम करने के लिए। इसके बाद 6 नंबर जो पिन होता है वो ग्रिड नंबर 1 होता है। ग्रिड नंबर 1 यानी कि कंट्रोल ग्रिड। तो ग्रिड नंबर 1 को मुख्य रूप से निगेटिव लाइन में अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं, तो इसको जो है ग्रिड नंबर 1, इसके द्वारा जो है लाइट की मात्रा को फिक्स रखा जाता है। तो इसके इस प्रकार से जो है G1 जो होता है वो पिन नंबर इसका 6 होता है। 6 के बाद 7 नंबर पिन जो होता है वो RK होता है। RK का मतलब रेड कैथोड होता है। इस पर हम लोग रेड वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं यानी कि लाल रंग का चित्र का सिग्नल प्रदान करते हैं। कहाँ से? तो किट से आने वाला लाल रंग का जो वीडियो सिग्नल होगा वो पिन नंबर 7 को देते हैं। और 8 नंबर जो होता है वो G2 होता है। G2 का मतलब है स्क्रीन ग्रिड जिसको हम लोग शॉर्टकट में G2 बोलते हैं यानी कि ग्रिड नंबर 2 बोलते हैं। तो ग्रिड नंबर 2 जो होता है वो पिन नंबर 8 होता है, जहाँ पर हम लोग 100 से लेकर के 1000 वोल्ट देते हैं और यहाँ के वोल्टेज को बदल करके टेलीविजन के स्क्रीन पर आने वाला लाइट के मात्रा को आवश्यकता अनुसार कम और अधिक करते हैं। इसके बाद पिन नंबर 9 जो होता है वो GK होता है। GK का मतलब है ग्रीन कैथोड। कार से यह थिन नेक पिक्चर ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपको पिन सेपरेटर से के बीचों बीच जो पिन निकला होगा वो पिन नंबर 1 होगा। उसके बाद 2 नहीं होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और कौन से पिन किस लिए होते हैं इसके बारे में हम लोग समझे, और अब वास्तविक रूप में कैसे होता है यह पिक्चर ट्यूब बना होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये थिन नेक पिक्चर ट्यूब है और इस पिक्चर ट्यूब में देखेंगे कि जो इसका जो गर्दन होता है वो पतला होता है। तो इस पिक्चर ट्यूब में पिनों का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये कैमरा पर जगह फिक्स करने के बाद देखते हैं कि इसके कौन से पिन किस यूज़ में लाए जाते हैं। तो कैमरा को एक जगह फिक्स करने के बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो पिन सेपरेटर जो बना हुआ है, पिन सेपरेटर के बीचों बीच एक पिन निकला हुआ है जिसको हम लोग पिन नंबर 1 मानते हैं, और इस पिन को G4 का पिन माना जाता है, अर्थात इसको फॉक्सिंग एनोड का पिन माना जाता है। और इसको हम लोग ESD से आने वाला 1000 वोल्ट से लेकर के 7000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसके बाद अन्य पिनों की गिनती कैसे करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि 1 नंबर पिन के बाद घड़ी की दिशा में पिनों की गिनती करते हैं। तो घड़ी की दिशा में जब पिनों की गिनती करते हैं यानी कि क्लॉकवाइज जब गिनती करेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 2 नहीं होता है, सीधे 3 नंबर पिन होगा। ये 3 के बाद देखिएगा कि यह 4 नंबर पिन है या 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9। तो इसमें देखेंगे कि जो पिन नंबर जो 3 होता है वो 3 नंबर पिन जो होता है वो ब्लू कैथोड पिन होता है जिसको हम लोग ब्लू वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं यानी कि ब्लू रंग का चित्र, नीला रंग का चित्र प्रदान करते हैं। इसके बाद पिन नंबर 4 और 5 जो पिन होते हैं वो हीटर पिन होते हैं
जिसको 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई एसी वोल्ट की सप्लाई ईएसटी से देते हैं, इसमें एक को ग्राउंड करते हैं और एक को एसी वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 4 और 5 नंबर जो पिन होते हैं इनको कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए, मल्टीमीटर चेक करने पर कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं शो करते हैं तो मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब फ्यूज हो गया है। तो आइए सबसे पहले 4 और 5 पर हम लोग चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी शो करना है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को ले करके और 4 और 5 पर मल्टीमीटर के द्वारा जो है यहाँ चेक कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। कंटिन्यूटी शो अगर करता है तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब ठीक है। तो 4 5 को कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। 4 5 के बाद आप आएंगे पिन नंबर 6 पर। 6 नंबर जो पिन होता है, मैं ये जानना है कि पिन नंबर जो 6 होता है इस पिन को हम लोग जीवन का पिन मानते हैं, यानी कि कंट्रोल ग्रिड का पिन मानते हैं, और इसको मुख्य रूप से नेगेटिव लाइन में अर्थ किया जाता है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि 6 के बाद पिन नंबर 7, 7 नंबर जो पिन होता है, ये पिन नंबर 7 है, तो 7 नंबर जो पिन होता है, ये 7 नंबर पिन को रेड कैथोड का पिन माना जाता है, जिसको हम लोग रेड वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं, यानी कि लाल रंग का चित्र प्रदान करते हैं। और 7 के बाद पिन नंबर 8 है, ये पिन नंबर 8 हो गया, और ये जो पिन नंबर जो 8 देख रहे हैं, ये 8 नंबर पिन को G2 का पिन माना जाता है। G2 का अर्थ है कि ग्रिड नंबर 2 का पिन माना जाता है, यानी कि स्क्रीन ग्रिड का पिन माना जाता है, जहां पर स्क्रीन वोल्ट ईएसटी से निकलने वाला स्क्रीन वोल्ट देते हैं। इसके बाद ये पिन नंबर 9, जो पिन नंबर 9 होता है, इसको हम लोग ग्रीन कैथोड मानते हैं, जहां हम लोग ग्रीन वीडियो सिग्नल यानी कि हरा वीडियो सिग्नल इसको प्रदान करते हैं, देते हैं। इस प्रकार से ये जो है थिन नेक पिक्चर ट्यूब हो गया, अर्थात यह पतला गर्दन वाला पिक्चर ट्यूब हो गया, जिसके पिनों को डिटेल्स के बारे में हम लोग समझे। कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों के डिटेल्स के बारे में समझने का आपको जो है मदद मिली होगी, और आप ये समझ पाए होंगे कि ये पिक्चर ट्यूब के कौन से पिन किस यूज़ में लाए जाते हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि पिक्चर ट्यूब है कि किस पिनों से कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो आप देखिएगा कि किसी भी जो पिक्चर ट्यूब होता है, उस पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों से लगभग 30 फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। 30 फॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो लगभग 30 फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि केवल रेड कैथोड, ब्लू कैथोड और ग्रीन कैथोड, इन कैथोड से रिलेटेड भी अनेकों फॉल्ट होते हैं। तो केवल रेड कैथोड से आप देखिएगा कि लगभग आधा दर्जन फॉल्ट होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो उनसे हम चाहेंगे कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ये जो है अपना जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित आप जो है एक कमेंट करें, और जिसमें ये हमको पता चल सके कि आप जो है आपको पिक्चर ट्यूब के संदर्भ में आप कितना जानते हैं वो जो है हमको पता चल सके। तो मुख्य रूप से हम आपको एक हिंट्स दे रहे हैं कि लगभग जो है रेड कैथोड से आधा दर्जन फॉल्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रीन कैथोड से भी आधा दर्जन फॉल्ट होते हैं और ब्लू कैथोड से भी आधा दर्जन फॉल्ट होते हैं। तो हम चाहेंगे कि किसी एक कैथोड से रिलेटेड आप रेड कैथोड से रिलेटेड वो 6 फॉल्ट अर्थात आधा दर्जन फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में आप अगर जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हम वेलकम करेंगे आपका जो है किसी भी प्रकार के एडवाइस को। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।